अस्सलामुअलैकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नए दिन का आगाज़ हो चुका है बहुत ही बेहतरीन सी सुबह के साथ, और फातिमा स्कूल चली गई हैं, मरियम अभी तक सो रही है। मौसम बहुत ही कोई अच्छा हो गया है, और अब ऐसा मौसम आ गया है कि आप पराठे, बुसरी, सिंधी में बहुत ज़बरदस्त होती है गुड़ वाली रोटी जिसको हम बुसरी कहते हैं, वो जब सर्दियां आती हैं तो ज़रूर मैं बनाती हूं और असली घी साथ लगाती हूं तो बहुत ज़बरदस्त ही बनती है। तो आज मैंने अपने लिए बनाया है पराठा, और पर बनाया नहीं है, फ्रोज़न पराठे हैं, और पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इनको ख़त्म किया जाए और उसके बाद फिर सर्दियों में मज़ेदार से जो नाश्ते हैं वो बना के खाए जाएँ। गर्मियों में बिल्कुल भी ऐसी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, और सर्दियों में जो है खाने पीने का भी बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ा आता है, और सर्दियों के फल भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब सर्दियों का तो पूरा सीज़न ही, मैं कहती हूँ सिर्फ मैं नहीं, जितने भी हमारे मेरी फैमिली है उन सबको सर्दियाँ जो है वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और मैंने जो है फ्रोज़न पराठा बना के उसमें शामी कबाब डाला और रोल बना के वो खा रही हूँ। और यहाँ मैं बहुत मिस करती हूँ पाकिस्तान के चटनी रोल को या मायो गार्लिक रोल को। तो नाश्ता करने के बाद अब मैं आई हूँ, आज रात मैंने मशीन लगाई थी तो आज जो है वो कपड़े आयरन भी करने हैं, जो मेरे लिए बहुत ही एक मुश्किल टास्क होता है। मैं समझती हूँ कि मैं तमाम काम इजीली कर लेती हूँ, मुझे बिल्कुल भी कोफ नहीं होती, लेकिन कपड़े देख के मैं थोड़ी सी जो है वो ढीली हो जाती हूँ। पर कपड़े तो इस्त्री करने हैं क्योंकि वॉश होने के बाद फिर इस्त्री करके ही मैं उनको जो है वो कबर्ड में रखती हूँ। तो यहाँ मरियम उठ चुकी हैं, और मरियम जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है ना टॉयज से खेलती है। दो दिन एक टॉय से खेलती है, फिर उससे थक जाती है, फिर उसको कोई नया टॉय चाहिए होता है। फिर दो तीन दिन के बाद अगर उसको वही टॉय दोबारा दिया जाए तो फिर वो खेलना स्टार्ट हो जाती है। और ये मरियम की एक बहुत ही अच्छे से ब्लॉक्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स मैंने इसको कलर्स याद करने के लिए लेके दिए थे, लेकिन इसको इन छोटे छोटे ब्लॉक्स से जो है वो कलर्स नेम याद हो गए हैं, और बड़े अच्छे से उसको सारे कलर्स, इसमें तकरीबन रेम्बो के 7 कलर्स हैं, तो इसको मोस्टली 7 कलर्स तो आ ही गए हैं, ब्लैक कलर का भी इसको पता है। और इस टाइम जो है वो उठी हैं और मैं बस नाश्ता करके फ्री हुई हूँ, तो आज जल्दी उठ गई है, और नहीं तो वैसे तकरीबन 10 बजे उठती है, तो इस टाइम 8:15 हो रहे हैं और उठ गई है। बस अब मैं इसको फ्रेश वगैरह कराऊँगी नाश्ता कराने के बाद, और इस टाइम जो है वो उसके साथ काफ़ी देर खेली, फिर उसको फ्रेश किया, और तकरीबन 1:30 बज रहा है इस टाइम, और फातिमा आ चुकी हैं। और आज क्योंकि मरियम जल्दी उठी थी तो इसलिए इस टाइम मरियम जो है वो दोबारा से सो गई हैं। मुझे यही था कि फातिमा आ जाए तो फिर मैं दोनों को साथ सुलाऊंगी और मुझे भी मौका मिल जाएगा दोपहर में इस तरह सोने का, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, उसके बाद फिर बिल्कुल भी जो है ना टाइम नहीं मिलता सोने का। और क्योंकि दोपहर में मरियम नैप लेती है वो, लेकिन वो 4 से 5 के दरमियान लेती है, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गई है तो इसलिए सो गई है। और मैंने तो पूरी प्लानिंग की थी कि इसको थोड़ा सा और जगाऊं और फिर जब फातिमा आए तो हम तीनों सोएं, पर ऐसी कोई कहानी नहीं हो सकी। पर ये है कि रात तकरीबन 9:30-10 बजे तक हमारी पूरी फैमिली सो जाती है, क्योंकि फातिमा का फिर स्कूल होता है, तो फातिमा को 8:30 पर मैं बेड पर ले जाती हूँ, उसके बाद बस थोड़ी सी चीज़ें समेट के और मैं ख़ुद भी इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। तो मरियम क्योंकि सो रही थी बहुत आराम से, हम आए और मैंने मोस्टली ये देखना था कि ये उठी तो नहीं है, क्योंकि इसको अकेला छोड़ के गई थी, पर नहीं, सो रही थी। और इस टाइम तकरीबन 4 बज रहे हैं और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है, बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो गया है। और हस्बैंड आज आ गए हैं जल्दी, क्योंकि हमें 2-3 घर देखने हैं जिनको हमने फ़ाइनल करना है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 10 दिन रह गए हैं, और बस आज जो है डिसाइड कर लिया है हमने कि कौन सा घर फाइनलाइज़ करना है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है। आपको नहीं समझ आ रहा होता कि आप किसी के कमरे छोटे हैं तो किसी का वॉशरूम सही नहीं है, तो किसी के किचन सही नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती है, कोई ना कोई चीज़ की कमी किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर होती है। और जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ वो काफ़ी बड़ा है, अब मैं मोस्टली जो घर देख रही हूँ उनके लाउंज इतने बड़े नहीं हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और मौसम क्योंकि अच्छा है तो करीब ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ से सोचा कि
समोसे भी खा लेते हैं। तो मेन चीज़ जो है वो यही है कि बस आज घर को फाइनलाइज़ करना है, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि कौन से घर को फाइनल किया है। और मौसम क्योंकि बहुत खूबसूरत है और सूरज की तपिश भी है और बादल भी हैं, दोनों चीज़ें एक साथ हैं, तो समोसे तो हमें नहीं मिले क्योंकि वो 5 बजे रेडी होंगे और इस टाइम तकरीबन 4:30 हो रहे थे। हमने बस घर को विज़िट करना था तो इतना टाइम हमें नहीं लगा, और पर करीबी यहाँ पे समोसे तो नहीं मिले, तो यहाँ का फेमस जो है वो शवरमा जो है, फिर कहा कि कुछ निकले हैं बाहर तो होता है ना कुछ चटखापन खाने का तो सोचा कि चलो ये खा लेते हैं। और शवरमे के बारे में बताऊं कि आज ही सुबह के जब नाश्ते में मैं चटनी रोल की बात कर रही थी, तो मैं जब यहाँ आई ओमान में तो मैंने अली से पूछा, अली यहाँ पे चटनी रोल मिलते हैं? 2-3 जगह हमने ट्राई किए लेकिन वो पाकिस्तान जैसा मज़ा नहीं है। और यहाँ पे शवरमा जो है ना, हर आपको तुर्की शवरमा और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के शवरमे मिलेंगे, लेकिन शवरमा शायद मुझे पसंद नहीं है और इतने स्पाइसी नहीं होते ये, मतलब ओमान के लोग बहुत कम स्पाइसी खाना खाते हैं, इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, और तुर्किश खाने भी इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। तो शवरमा ही यहाँ से मिलता था। शुरू में मुझे शवरमा इतना अच्छा नहीं लगता था, पर वो खा के जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता तो फिर आपको आदत हो ही जाती है। तो अब मुझे भी शवरमा खाने की आदत हो ही गई है, और बच्चों को यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज लेकर दिए। फातिमा स्कूल से आके आज नहीं सोई है और बिल्कुल ही सुस्त सी हो रही है, मुझे लगता है आज फातिमा जल्दी ही सोएगी, और होमवर्क भी उसको कोई नहीं मिला है, और तकरीबन 5:30 हमें घर जाते जाते हो जाएंगे, और मग़रिब तो बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि 5:25 पे अब यहाँ पे अज़ान हो रही है, और 6:45 आप देखेंगे फुल अंधेरा। तो सर्दियों के दिन तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन रातें बहुत बड़ी होती हैं, और बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा वेदर था। यहाँ हम अपना जो है वो जो मील ली थी शवरमे की वो भी इंजॉय कर रहे थे, और सूरज जो है वो बिल्कुल ग़ुरूब होने के उस पर आ रहा है, तकरीबन 4:30 इस टाइम हो रहे हैं। तो अब यहाँ से घर जाएंगे और डिनर वगैरह करेंगे, क्योंकि डिनर की प्रिपरेशन मगरिब तकरीबन 6:45 होती है, तो अब मेरी कोशिश होती है कि 7 बजे खाना खा लिया जाए, और यकीन करें बहुत ही बेस्ट टाइम है। अगर आप 7 बजे खाना खा के 10 बजे तक सोते हैं तो 3 घंटे में बहुत अच्छा सा आपका खाना जो है वो हज़म हो जाता है, और उसके बाद फिर आपकी हेल्थ भी सही रहती है। तो मैं आज ही अली से कह रही थी कि हम लेट हो जाते हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि अपनी रूटीन यही रखें और 7 बजे तक खाना खा लें, गर्मियों में भी, पर पॉसिबल नहीं होता क्योंकि गर्मियों में मगरब की अज़ान ही तकरीबन 7:30 बजे तक जाती है। बहरहाल जल्दी खाना खाइए और जल्दी सोने से तकरीबन 3-4 घंटे पहले खाना ज़रूर खाइए, बहुत ही हेल्पफुल होता है आपकी हेल्थ के लिए। और रात को जब बच्चे सो गए तो अनार लेकर आई थी, और मुझे अनार बहुत ही मुश्किल लगता है उसके दाने निकालना, तो ये काम शुरू से मेरे ख्याल पिछले 2-3 साल से अली ने ये ज़िम्मेदारी ले ली है, और इतने कोई ईजी वे में अनार के दाने निकालते हैं कि ना ही पूछें, चार तरफ से जैसे आपने वीडियो में देखा कट करके। और ये इन्होंने वीडियो मुझे अच्छी तरीके से याद है यूट्यूब से सर्च की थी, और उसके बाद ऐसे काटते हैं बिल्कुल इजी वे में आपका अनार कट जाता है। तो ये थी मेरी वीडियो, होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जल्द मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।